आप सभी को नमस्कार। मैं आपका अपने चैनल ब्लॉग प्रीतम सिंह तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ये गेम्स का फाइनल दिन है और आज ही प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा और 100 मीटर की फाइनल रेस भी होगी। आप देख सकते हैं पार्टिसिपेंट्स के अंदर बहुत हर्षोल्लास है और ये फाइनल जो इवेंट होने वाला है उसकी देखने के लिए सबकी आँखें टिकी हुई हैं फाइनल इवेंट की तरफ, जो कि 100 मीटर का होने वाला है। इसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। चीफ गेस्ट आ चुके हैं, डीजी सर और डेटा सेंटर। ये देख सकते हैं 100 मीटर फाइनल, देखिए कितनी स्पीड से हो रही है, बहुत बढ़िया। इसके बाद गर्ल्स की 100 मीटर फाइनल होगी, ये बॉयज़ की हो गई। अब ये देख सकते हैं ये हमारे चीफ गेस्ट वगैरह भी खड़े हुए हैं, डीआईजी सर हैं और देख सकते हैं सामने डीजी सर, डीआईजी मैम वगैरह भी हैं, जो कि फाइनल इवेंट को देखने के लिए बहुत हर्षोल्लास के साथ खड़े हुए हैं सब लोग। ये देख सकते हैं गर्ल्स की 100 मीटर फाइनल चल रही है, बहुत ही बढ़िया, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है 100 मीटर फाइनल। ये देख सकते हैं कितना अच्छा है ये सब। अब इसके बाद अब होगा फाइनल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट की तरफ आ चुके हैं। थोड़ा शाम हो चुकी थी क्योंकि काफ़ी इवेंट्स थे, तो इवेंट्स फिनिशिंग होते होते शाम हो चुकी थी। तो अंत में जो लास्ट सबका एक उद्देश्य होता है कि यहाँ से खेलना, उसके बाद जीत के जाना है, तो वो पॉइंट आ चुका है, वो टाइम आ चुका है। अब उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा और देखते हैं किसको क्या मिला है, किसको कौन सा प्लेस मिला है। तो ये आगे की तरफ बढ़ते हुए ये देख सकते हैं सबको हर्षोल्लास करना है, देख सकते हैं सब ताली बजा कर अपना जोश बढ़ा रहे हैं और बस उस पल का इंतजार कर रहे हैं जिसको जो प्रतिस्पर्धा में भाग लिया है उसको कौन सा प्राइज मिला है वो उसको लेना चाह रहे हैं और सर्टिफिकेट वगैरह। तो बस आगे की तरफ बढ़ते हुए ये देख सकते हैं सब हर्ष के साथ खड़े हैं, उल्लास के साथ खड़े हुए हैं। यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, जितने भी विभिन्न विभिन्न कारागारों से आए हुए हैं, सब यहाँ पर लाइन से खड़े हैं और बस उस पल को देख रहे हैं। आप देख सकते हैं सब में और हमारे मुख्य अतिथि डी जी सर भी हैं और यहाँ पर ये सामने एक ग्राउंड में पूजा झा अंकुर अंकुर जा हमने 100 मीटर वेरी गुड
ए बिलाल चैंपियन हुआ ना, छुट्टी कह दो कि तुम नहीं। हाँ छुट्टी कह दी हो। ये तालियां बजाता रहिए। अगला नाम भैया भैया ए इधर सामने देखिए। अरे यार मैं नहीं करूंगा। हां रंगो शाबाश। चलो आगे। ये है मुख्यालय की विजय टीम के कैप्टन और ये जो SGTI है टीम जो कि विनर हुई थी और ये मुख्यालय की टीम है जो कि उप विजेता रही है। और इसके बाद ये सब वॉलीबॉल टीम के हैं और ये सर कैप्टन थे वॉलीबॉल टीम के। और ये डी सर जितने भी स्टाफ हैं वहाँ पर मुख्यालय पर उन सबको सर्टिफिकेट और ट्रॉफी देकर सम्मान कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। और यहाँ पर सारे जितने भी पार्टिसिपेंट आए हुए हैं पूरा आनंद ले रहे हैं। और ये सब PTI यहाँ पर SGTI में ट्रेनिंग कराते हैं उन सबको भी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, ट्रॉफी दी जा रही है, सम्मानित किया जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है सब। तो यहाँ पर जितना भी स्टाफ है चाहे वो SGTI का हो चाहे मुख्यालय का हो सबको सम्मानित किया जा रहा है और जिसका जैसा कार्यभार है उस हिसाब से उसे ट्रॉफी के साथ सम्मानित किया जा रहा है। ये देख सकते हैं ये सब मुख्यालय के हैं चाहे वो ऑफिस के बाबू हों या फिर और भी हों जितने भी स्टाफ लोग हैं उन सबको सम्मानित किया जा रहा है आप देख सकते हैं। तो काफ़ी बड़ी श्रृंखला में यहाँ पर स्टाफ है। इसके बाद ये देख सकते हैं ये ओवरऑल चैम्पियन रही हैं गर्ल्स की और ये बॉयज़ में ओवरऑल चैम्पियन है बिलाल अहमद देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अधिकारी एक दूसरे को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित कर रहे हैं देख सकते हैं आप। जो भी चीफ गेस्ट आए हुए हैं उनको भी स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है, ट्रॉफी दी जा रही है। खिलाड़ी एवं हमारे विभागीय सभी साथीगण पत्रकार बंधुओं एवं मान्य आमंत्रित हम लोग कर पाए जो हम लोगों का प्लान था। रास्ते में कई अड़चन आए, 3 तारीख समापन होना था। प्रतिभागी जो पुरस्कृत हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आने वाले समय में हम लोग और थोड़ा सा आगे अखिल भारतीय स्तर तक और ये देख सकते हैं दोनों ही चैंपियन हैं। बॉयज़ में बिलाल अहमद है और गर्ल्स में गर्विता सिंगल है। ये देख सकते हैं दोनों ही ने 3 इवेंट में पार्टिसिपेट किया, तीनों में विनर रहे। और ये बिलाल अहमद फतेहपुर जेल पर हैं और ये गर्विता सिंगल बिजनौर जेल पर हैं। ये गर्ल्स देख सकते हैं इन्होंने भी सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफी जीता है अलग अलग गेम्स में। ये देख सकते हैं अलग अलग जेल से आए मेरे साथ में जटाशंकर मिश्रा जी भी हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं ओलंपिक में, एशियन गेम्स में और तमाम बड़े पर अच्छा आयोजन हुआ। क्या इनमें उम्मीद दिखती है इन प्लेयर्स में जो कारागार कई जिलों से आए हैं और तमाम जिलों से आए हैं? देखिए मैं यहाँ पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ सरकार जो यहाँ 14 साल के बाद जो है होता है। धैर्य रखेंगे और साथ में लगन अगर रखेंगे तो जरूर सफल होंगे। मैं कुछ बहुत अच्छे खिलाड़ी भी थे जो सर्वभारतीय स्तर में भी नाम किए हैं उनको एक फोरम मिला बहुत दिन बाद जरूर हुआ। ही बताते हैं कि 2010 के बाद इसी तरह का आयोजन नहीं हो पाया था तो इसको पुनः इसको शुरू किया गया कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, फिटनेस भी होनी चाहिए, सभी जगह खेल की भावना रहना चाहिए और एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होता है तो इसके लिए स्पोर्ट्स आयोजन किया गया। हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय एथलीट श्री जटाशंकर जी जो कि कई एशियाड कॉमनवेल्थ भाग ले चुके हैं, मेडल पा चुके हैं और उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पुलिस गेम्स में मेडल पा चुके हैं, ओलंपिक पार्टिसिपेशन के तो वो भी उपस्थित है जो मनोबल बढ़ाने में खिलाड़ियों का
इंस्टीट्यूट द्वारा इस आयोजन को विशेष रूप से किया गया, उसमें हमारे सभी पूरे टीम का सहभागिता रहा है। मैं पुनः धन्यवाद आप लोगों को भी देता हूँ कि इससे हमारा मनोबल सबका बढ़ेगा।